बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे चिकन सूप। जी हाँ, ये खाने में तो आपको पता है बहुत ही डिलीशियस लगता है, सभी का फेवरेट भी होता है। और आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी चिकन सूप बनाना। तो चलिए करते हैं तैयारी। मेरे पास ये 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये बोनलेस चिकन है, ये देख सकते हैं आप। इसे मैं पहले कुकर में 3 से 4 सीटी दिलवाऊंगी ताकि अच्छे से गल जाए। कुकर में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसे डाल दूंगी। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, ये रेगुलर यूज़ वाला नमक है। और साथ ही साथ 1/2 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च डालूंगी। और फिर मैं इसमें 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लूंगी। दोस्तों, इसमें 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया था और इसकी पूरी स्टीम भी निकाल दी है। और आइए अब चेक करते हैं चिकन को। देखिए, ये चिकन जो है हमारा अच्छे से बिल्कुल पक गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। दोस्तों, जो ये पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम अभी और पकाएंगे क्योंकि सारा फ्लेवर चिकन का इसी पानी में है। तो अभी मैं इसे पकाऊंगी। और जो हमारा ये चिकन है इसके हम इसको श्रेड कर लेंगे, इस तरह से ये इजीली निकल जाएंगे। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसके सारे रेशे कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये चिकन के जो पीस थे वो मैंने इस तरह से इसके पीसेस कर लिए, श्रेड कर लिए इसको। अब मैं वापस से इसी पानी में मिला दूंगी इनको और इसे 2 बॉयल आने तक मैं इसके साथ दोबारा से पका लूंगी। देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी, पहले भी हमने नमक डाला था, और थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड करूंगी। अब मेरे पास ये 2 अंडे हैं जिन्हें मैंने फेंट के रखा है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो एक बार मैं इसे हिला लेती हूँ। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके अंडा जो है डालना है और इसको जो है हिलाते चले जाना है। देखिए, इस तरह से हिलाते चले जाइएगा, इसको बिल्कुल रोकना नहीं है। अब हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जो अंडा है वो एक जगह इकट्ठे ना हो जाए और इसकी जो है जो जाके गोला सा ना बन जाए। तो इसीलिए इसको ऐसे हिलाते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए, अंडा भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट देने के लिए चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने 2 चम्मच के करीब ये कॉर्नफ्लावर लिया है, इसे मैं इसमें डालूंगी ताकि इसका क्रीमी सा और थिकन जो है अच्छे हो जाए इसकी। तो मैं इसे धीरे धीरे डालूंगी और इसे भी कंटिन्यूसली हिलाती रहूंगी। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी थिकनेस भी अच्छी होगी। और ये सूप आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यमी लगता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। हमें इसे कंटिन्यूसली जो है स्टर करते रहना है। अब मैं इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लूँगी ताकि हमें जो ये कॉर्नफ्लावर है उसका कच्चापन ना नज़र आए और खाने में ये और अच्छा सा लगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा चिकन सूप। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसे सर्व करते समय आप ये चिली सॉस इसमें डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको टेस्ट में लेना है। और इसके साथ साथ इसमें खट्टापन देने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नींबू ऐड कर रही हूँ। तो नींबू का रस भी आप अपने अकॉर्डिंग ही करिएगा, जितना आपको टेंगीनेस चाहिए उतना ही आप इसमें यूज़ करिएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म चिकन सूप। इसे आप बिल्कुल गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।